नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और नेस्ले के शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में और फ्यूचर टारगेट प्राइस के बारे में। और ये भी पता करेंगे कि दोस्तों बेस्ट FMCG स्टॉक कौन सा होगा 2020-21 का, बाई करें, सेल करें या होल्ड करें। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमने डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट चार्ट के माध्यम से, डिफरेंट कंपैरिजन के माध्यम से हमने एनालिसिस करी हुई है। और दोस्तों तभी हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं HUL, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले शेयर के बारे में, जो डेप्थ में जानते हैं। और दोस्तों अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो अप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं HUL, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले के बारे में। तो दोस्तों कंपैरिजन चार्ट देखें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम तीनों शेयर को देखें और साथ में FMCG इंडेक्स को देखें, तो ब्लू कलर का जो चार्ट है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का ग्रे कलर का चार्ट है और ग्रीन कलर का चार्ट हमारा जो है FMCG सेक्टर का है और नेस्ले का जो है ऑरेंज कलर का चार्ट है। तो अगर हम चारों चार्टों को देखें और एक साल का ये हमने चार्ट सेलेक्ट किया है और सबका कंपैरिजन देखें कि किस शेयर ने बेहतर परफॉर्म किया है FMCG इंडेक्स के कंपैरिजन में, तो आपको ये यहाँ से नज़र आएगा दोस्तों कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और ये शेयर कहीं ना कहीं सारे शेयरों से, सारे FMCG सेक्टर सभी से ऊपर चला है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों अगर हम नेस्ले का देखें चार्ट, तो नेस्ले का भी चार्ट आप देखिए तो ये भी कहीं ना कहीं FMCG सेक्टर से ऊपर चला है और HUL से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो अगर आप तीनों शेयरों में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे नेस्ले का रहा, टाटा कंज्यूमर का रहा है और नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उतना प्रदर्शन। हालांकि दोस्तों अगर हम तीनों शेयरों को कंपैरिजन करें तो FMCG सेक्टर के तीनों ही बेस्ट क्वालिटी शेयर हैं और तीनों का ही ग्राफ FMCG के इंडेक्स से ऊपर चला है। तो डेफिनेटली दोस्तों वैल्यूएशंस वाइज अगर आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बेहतर नजर के आएगा, नेस्ले और ओवर वैल्यूएटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर इस समय करेंटली बाइंग लेवल पे। तो चलिए दोस्तों अलग अलग चार्ट के माध्यम से और डेप्थ में जानते हैं कि इनके क्या टारगेट और एनालिसिस होगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे निफ्टी डेटा पे। तो निफ्टी डेटा देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और नेस्ले इंडिया, तो तीनों का अगर हम प्राइस लेवल देखें तो एक 2118 पे है, एक 519 पे, एक 17400 पे। 52 वीक लो अगर देखें 1757 से, तो वहां से लगभग 25% का रिटर्न दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने और टाटा कंज्यूमर डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिया, लगभग 250% रिटर्न, और नेस्ले इंडिया ने लगभग 30-35% रिटर्न दिए यहाँ से। अगर हम लोग 52 वीक लो यानी कि 6 महीने पहले कोरोना वायरस टाइम देखें तो लगभग सभी ने ठीक ठाक रिटर्न दिए, टाटा कंज्यूमर ने एक्सेप्शनली वेरी गुड रिजल्ट दिया। इसके अलावा अगर हम 52 वीक हाई की तरफ देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी इतना पोटेंशियल है कि ये शेयर 2600 तक जा सकता है वहां से। तो एक रेंज बाउंड शेयर काफी दिनों से साइडवेज रहा है और 2100 के लेवल से 2200 के लेवल, जिस दिन दोस्तों ये 2300 का लेवल पार कर देगा इसके 2600 के भी टारगेट आने लगेंगे और ये एक ना एक दिन देखिएगा दोस्तों विद इन वन ईयर ये 3000 के लेवल पे दिखेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी यही हाल है, विद इन वन ईयर जिस दिन इसने 600 का टारगेट पार करेगा इसके 1000 तक के भी टारगेट आने लगेंगे और नेस्ले के 20000 के टारगेट रहेंगे। P/B देखें तो सबसे कम टाटा कंज्यूमर का है, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके बाद हमारा नेस्ले इंडिया। बीटा देखें तो सबसे ज्यादा जो है टाटा कंज्यूमर, उसका रीजन यही है दोस्तों कि ये जिस दिन चलता है बहुत ज्यादा चलता है, 5-6% भी जाता है और डाउन भी होता है तो डाउन भी 2-3% तक हो जाता है, तो इसलिए इसका बीटा सबसे हाई है। डिलीवरी वाइज देखिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की 59% जो कि सबसे ज्यादा और रिस्क रेशियो भी सबसे कम है।
तो अगर रिस्क रेशियो और डिलीवरी परसेंटेज को आप फोकस करें तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को बाई कर सकते हैं करंट लेवल पे, और टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। एचयूएल का स्टॉक एनालिसिस करें अगर हम 3 मंथ के डेटा पे, तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है। अगर हमने बॉलिंगर बैंड देखिए बनाया हुआ, तो एक ये साइडवेज चार्ट आपको नजर आ रहा है, साइडवेज तरह कभी ऊपर फिर नीचे, एक रेंज बाउंड रहा है। ऊपर का लेवल 2216 और नीचे का लेवल 2070 के आसपास से मूव करता रहा। तो नीचे का अगर स्टॉप लॉस इसी को लगा लीजिए 2044 का, तो ऊपर के लेवल 2200 जिस दिन ये पार करेगा, यहाँ से 2300, 2400 और 2500 के टारगेट आने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आप वॉल्यूम चार्ट पे जरा गौर करिए, तो यहाँ पे लगातार रेड कैंडल बन रही है, यानी लगातार वॉल्यूम इसके डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कभी भी आप पूरे 3 महीने के आप चार्ट में देखिए, इतने लगातार वॉल्यूम डिक्रीज नहीं किए हैं। तो अब इसमें ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और RSI भी ठीक ठाक है इस समय, बाइंग लेवल पे है। तो करंट लेवल पे अगर आप बाई कर लेते हैं, तो मिनिमम मेरा एक अंदाज़ा है कि एक महीने में लगभग 2216 का टच कर सकता है, और लगभग यहाँ से आपके 5% तक के रिटर्न यहाँ से बन सकते हैं विद इन 1 मंथ। अगर आपका 3 महीने का नज़रिया है तो 2300 तक के भी टारगेट यहाँ से निकल के आते हैं, 10% रिटर्न मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर शेयर एनालिसिस करें 3 मंथ डेटा पे, तो दोस्तों 486 का लोअर बैंड है और 575 पे ऊपर का लेवल है। तो 486 को ही अगर आप स्टॉप लॉस मना लीजिए, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ था, तो 570 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लगभग 10% रिटर्न यहाँ से 3 मंथ में निकल के आता है, और साथ ही RSI 61 है तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का शेयर है तो RSI आपको अच्छा लेना पड़ेगा। और यहाँ से तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाइंग लेवल 510 के आसपास इसको बाई करें। नेस्ले शेयर एनालिसिस आप 3 मंथ डेटा देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 3 मंथ में। वॉल्यूम भी देखिए खूब बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल भी लगातार बनती जा रही हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे रेड थी तो वहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल, तो अब थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शेयर काफ़ी चल चुका है, लगभग 7 से 8% चल चुका है विद इन 10 डेज। तो अब इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और RSI को थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए। मेरा ये मानना है कि लगभग 16,500 के लेवल पे करीब आ जाए तो इसको फ्रेश बाइंग करें, और वहाँ से हम लोग 18,000 या 20,000 के टारगेट देख सकते हैं। HUL शेयर प्राइस टारगेट, नेस्ले टारगेट प्राइस और टाटा कंज्यूमर शेयर टारगेट प्राइस, अगर हम तीनों को देखें तो 3 मंथ का हमने टाइम फ्रेम लिया है HUL और टाटा कंज्यूमर का, और 6 महीने का हमने टाइम फ्रेम लिया है नेस्ले का। तो नेस्ले का जो टारगेट है वो 19,000 के टारगेट निकल के आते हैं। बाइंग लेवल मैंने 16,000 के आसपास बताया, 16,200, 16,300 के आसपास बाइंग करें, 19,000 के लगभग 10% रिटर्न 6 महीने में। और टाटा कंज्यूमर के लगभग यहाँ से टारगेट प्राइस 600 का है 3 महीने में, जो कि 10% रिटर्न 3 महीने में, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी 10% रिटर्न यहाँ से निकल के आ सकता है 8 से 9%। तो इसको जरूर बाय करें। हमें फॉलो करिए सोशल मीडिया पे, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं टेलीग्राम, ट्विटर और सोशल मीडिया पे। और डिस्क्लेमर यही है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और टारगेट प्राइस भी फिक्स रखें। These analyses are only for the educational purpose, not related to the investment. Thank you, दोस्तों.